आज चंडीगढ़ दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तरी आंचलिक परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत कई राज्यों के नेता होंगे शामिल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर होंगे कार्यक्रम के उपाध्यक्ष। सड़कें, यातायात, कल कारखाने, पानी, बिजली, वन पर्यावरण समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। आजमशेदपुर में होगी बीजेपी की महासभा। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे एक सभा को संबोधित। पूर्व नेताओं से मुलाकात के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे नड्डा। सूबे में बीजेपी ने रखा है 65+ सीटें जीतने का लक्ष्य। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने धुरंधर मैदान में उतारेगी कांग्रेस। आज जारी करेगी 288 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव की पहली सूची। 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी पार्टी। कई पुराने चेहरों के साथ नए नेताओं को भी मिल सकता है मौका। एनसीपी ने गुरुवार को ही घोषित की थी अपनी पहली सूची। सूबे में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन 125-125 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। बैंकों के विलय को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल तेज। विलय के विरोध में आज बैंक अधिकारी और कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ उठाएंगे आवाज। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने किया है 26 और 27 सितंबर को 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान। आर्थिक मंदी के बीच आज गोवा में होगी जीएसटी परिषद की बैठक। होटल सेक्टर को मिल सकती है बड़ी सौगात। पर्यटन क्षेत्र में पड़ी है मंदी की मार। समिति ने वाहनों, बिस्कुट समेत कई उत्पादों पर टैक्स हटाने से किया है इनकार। कई उद्योगपतियों ने की थी 28 के बजाय 18% जीएसटी करने की मांग। हिंदी भाषा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मचा बवाल। हिंदी थोपे जाने के खिलाफ आज तमिलनाडु में डीएमके करेगी प्रदर्शन। पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन ने किया एक राष्ट्र एक भाषा की वकालत का विरोध। बोले बीजेपी सरकार नहीं चला सकती अपनी मनमानी। अलग अलग संस्कृतियों से मिलकर बना है भारत। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत की बढ़ सकती है मुश्किलें। विधायक खरीद फरोख्त स्ट्रिंग मामले में सीबीआई दाखिल कर सकती है चार्जशीट। कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। सत्तारूढ़ पार्टी पर लगाया जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप। कहा बीजेपी के हथकंडों से नहीं डरती कांग्रेस। भारी बारिश से गंगा का बढ़ा जलस्तर। डूब की कगार पर काशी के कई इलाके। स्थिति का जायजा लेने के लिए बनारस जाएंगे सीएम आदित्यनाथ योगी। पीड़ितों से करेंगे मुलाकात, मुआवजे का भी करेंगे ऐलान। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फिनाले में पहुंचने से एक कदम दूर है रोहतक के अमित पंघाल। आज खेला जाएगा सेमीफाइनल मुकाबला। कजाकिस्तान के बॉक्सर के साथ होगी अमित की भिड़ंत। क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के बॉक्सर को दी थी मात। और आज बड़े पर्दे पर लगेगा 3 फिल्मों का तड़का। संजय दत्त की प्रस्थानम, सनी देओल के बेटे करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास और सोनम कपूर की द जोया फैक्टर होगी रिलीज। तीनों फिल्मों से अच्छी कमाई की उम्मीद।